नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 6 जुलाई 2024 की। आज की एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहली अपडेट, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक गया जो है, वहां से आपके केवीएस की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकल करके आई है, उसी की बात सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 1 गया, बिहार के अंतर्गत पूर्णतः अंशकालिक और संविदा आधार पर दिए गए पदों पर भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करता है। अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षिक, व्यवसायिक और अनुभव प्रमाण पत्र के मूल और अभिप्रमाणित छाया प्रति, बायोडाटा और पासपोर्ट आकार के 2 फोटो साथ में लाए। पात्रता और आवेदन प्रपत्र के लिए विद्यालय की जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर कब कौन कौन सा इंटरव्यू है वो भी देखिए। तो स्नातकोत्तर पीजीटी, भौतिकी में रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतने विषय हैं इसको लेकर के। साथ ही साथ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी में हिंदी और अंग्रेजी विषय को लेकर के, और प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन निकाला गया है। इन सभी के साक्षात्कार की जो तिथि है वो एक ही दिन रखी गई है, 12 जुलाई 2024 की, दिन शुक्रवार, समय 8 बजे से 10 बजे के बीच जो है ये रखा गया है। साथ ही कोई भी बदलाव केवल उपरोक्त अंकित विद्यालय की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार में आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भत्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा। सेवा शर्तें और वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियम के अनुसार जो है वो यहाँ पर होंगे। अगली अपडेट आपकी, बीपीएससी TRE3 एग्जाम को लेकर के 16 से मिलेगी केंद्र की जानकारी। 9 को जारी होंगे प्रवेश पत्र, जिसमें 87,014 पदों के लिए 5 लाख अभ्यर्थी जो है ये परीक्षा देंगे। शिक्षक श्रेणी यहाँ पर प्राथमिक मध्य करके दी गई है, इसमें रिक्तियों की संख्या दी गई है और कुल मिलाकर के जो यहाँ पर लगभग पद हैं उनकी जानकारी भी दी गई है। साइड में ही बताया गया, जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कि इसका जो प्रवेश पत्र है वो 9 जुलाई से डाउनलोड होगा। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपना अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 25 KB अपने डैशबोर्ड पर लॉग इन करेंगे, अपलोड करेंगे, उसके बाद ही जो है वो देख पाएंगे। 16 जुलाई से मिलेगी परीक्षा केंद्र की विस्तृत जानकारी। 27 जिलों के 444 केंद्रों पर ये परीक्षा जो है वो रखी गई है। 27 जिले हैं टोटल, 444 परीक्षा केंद्र हैं। अगली अपडेट आपकी है, एक नोटिफिकेशन बिहार सरकार की तरफ से ही है, शिक्षा विभाग, निदेशक है मिथिलेश मिश्र, जिसमें निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, इनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के जो है उनको ये लेटर लिखा गया। तारीख आप देख पाएंगे कल की, 5/7/2024। इसमें मिशन दक्ष के तहत कक्षा 3 से कक्षा 8 के चिन्हित जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष कक्षा के संचालन के संदर्भ में, इसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक संख्या को लेकर के जिक्र किया गया है। इसमें उल्लेखित है कि ग्रीष्म अवकाश के पश्चात 1 जुलाई से नई समय तालिका में 3:45 बजे से 4 बजे तक विशेष दक्ष जो कक्षा है वो संचालित की जा रही है। टंकड़ी भूल की वजह से 3:15 के स्थान पर 3:45 अंकित हो गया था, तो इसी के लिए ग्रीष्म का अवकाश के पश्चात 1 जुलाई से नई समय तालिका जो है वो 3:15 बजे से 4 बजे तक आपको देखने को जो है वो मिल रही है, संचालित की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये सुधार किया गया है कि 3:45 नहीं है, 3:15 है, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे ही पढ़ी जाए वो यहाँ पर लिखा है। अगली अपडेट आपकी है, यूपीपीएससी ने परीक्षाओं के लिए बनाया SOP, प्रश्न पत्रिका में सीरीज की जगह अब बार कोड व्यवस्था देखने को जो है आपको मिलेगी। कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रियाओं में अहम बदलाव की तैयारी कर ली है। शासन की ओर से भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के जो जारी दिशा निर्देश है उनको 100% लागू करने के लिए आयोग अपने अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है। शासनादेश के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन की जरूरत देखने को मिलेगी। अगली, छात्र संख्या के आधार पर होगी शिक्षकों की तैनाती, प्रतापगढ़ से न्यूज है। प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण और समायोजन जल्द किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी से 31 मार्च 2024 तक की छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की सूची तलब की गई है। शिक्षक और बच्चों का अनुपात आने के बाद ही स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया आगे जो है वो बढ़ाई जाएगी। मानक आपको पता है क्या है, प्राथमिक विद्यालय में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की तैनाती और उच्च में 35 जो विद्यार्थी हैं उन पर एक शिक्षक जो है वो तैनात। अगर इस मानक से विद्यालय में शिक्षक अधिक हैं तो हटाए जाएंगे, और वहीं जिन विद्यालय में शिक्षकों की कमी है वहाँ पूर्ति जो है वो की जाएगी। यही काम चल रहा है, खानापूर्ति। कई लेयर के डिजिटल लॉकर में रहेंगे प्रश्न पत्र, आयोग के पास होगा कोड, प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें पेपर लीक मामले
को रोकने के लिए यूपीपीएससी ने लागू की व्यवस्था। अन्य भर्ती संस्थाएं भी इसको लेकर आपके अपनाएंगी। इन परीक्षाओं में डिजिटल लॉक वाले बॉक्स का यूज हुआ था। परीक्षा प्रक्रिया की भी होगी लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी यहाँ बताया गया। सिर्फ एनटीए को ही नहीं, राज्यों को भी परीक्षाएं फुल प्रूफ बनाने में दी जाएगी मदद। एनटीए के सामने भले ही इस बार सामने आई गड़बड़ियां, राज्य में सालों से हैं, उच्च स्तरीय कमेटी जो है इसको लेकर के बात यहाँ की गई। अगली 69,000 शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों को न्याय दिलाए, राजनीति ना करें। अनुप्रिया समेत प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा पत्र। यहाँ पर लखनऊ से न्यूज है जिसमें अभ्यर्थियों ने आरक्षण में जो कोई गड़बड़ी मामला है उसमें नेताओं और मंत्रियों से राजनीति ना करने और न्याय दिलाने की मांग जो है यहाँ पर की है। बाकी सभी को लेटर लिखा गया है और न्याय दिलाने की मदद को लेकर के बात की गई है। पिछले 3 साल से इस मुद्दे पर न्याय दिलाने की बजाय वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। इस मुद्दे को ना तो संसद में उठाया जाता है और ना ही विधानसभा में जो है वो उठाया जाता है। अगली अपडेट, नीट पीजी अब 11 अगस्त को जो है वो आयोजित होगी। नई दिल्ली से न्यूज है जिसमें 2 पालियों में परीक्षा जो है वो होगी। नई एग्जाम डेट ये जारी हुई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, अब की बार 400 पार के साथ ब्रिटेन में स्टार्मर नए पीएम बने। जो ऋषि सुनक पहले थे भारतीय मूल के, उनका इस्तीफा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।